हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज सोमवार का दिन है भाई, चलते हैं अपने सफ़र की ओर और देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो आप लोग बने रहें मेरे साथ। सो दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बता दूँ, ये जो मनावर तवी के ऊपर मैं खड़ा हूँ ना भाई, ये इस ब्रिज का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है भाई। सो आगे की लोकेशन रिव्यू आपको दिखाऊँगा। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे गांव में ना सबसे बेस्ट लोकेशन होगी ये फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। जो भी कोई टूरिस्ट बंदा आएगा भाई, इधर से गुजरेगा, उसको जब ये लोकेशन अच्छी लगेगी ना, वो पक्का इस लोकेशन पे रुकेगा ज़रूर। देखने में इतनी मतलब प्रभावित करती है ये चीज़ कि गांव में रहकर साथ में तवी बह रही है हमारी मनावर तवी, और साथ में ये प्यारा सा ब्रिज बन रहा है भाई। सो काफ़ी चीज़ अट्रैक्टिव करने वाली है भाई। सो देखेंगे हम भी आगे का रिव्यू कैसा रहता है आने वाले टाइम पे। सो आप लोगों के साथ करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर। सो आप लोग बने रहे मेरे साथ दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई, ये पुल का काम कितने एडवांस तेज़ी से हो रहा है भाई। आज दोनों साइड से प्लेटें और बीच में सरिया डाल दी है भाई, बस थोड़ा सा पोर्शन रहता है भाई। अब इसमें सीमेंट की भरपाई करेंगे, लेंटर पड़ेगा इसमें, फिर इस दीवार से उठाएंगे इस पुल पोर्शन को, फिर इस तरह इससे मैचिंग कर लेंगे भाई। सो दोस्तों ये रस्से भी आ चुके हैं भाई कंपनी की तरफ से, जो पुल के बीचों बीच पड़ने हैं भाई, जिनके ऊपर पुल खड़ा होगा भाई। बैलेंस तो इसी पर रहेगा ना सबसे ज़्यादा। और ये है भाई पुल वालों का सेटअप, ये मशीनें लगाई हुई हैं भाई मटेरियल बनाने के लिए, और ये बड़ी जेसीबी जो सामान को आगे पीछे लेके जा रही है, और ये मटेरियल डालने वाली मशीन, और जो वो सेटअप है भाई। सो ये पूरा इंतज़ाम पुल वालों ने किया हुआ है भाई। सो बड़ी तेज़ी से हमारे गाँव में जो ब्रिज बन रहा है भाई, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। बहुत जल्दी हम लोगों को राहत मिलने वाली है इन मुश्किलों हालातों से। सो हम भी इंतज़ार में खड़े हैं भाई। सो फाइनली भाई अपने स्टॉप पे सेल वाली पहुंच गए हैं, बस करते हैं रहने वाली गाड़ी का इंतज़ार। जब आती है तो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र कैसा रहता है हमारा फिर। सो दोस्तों मैं भाई रहने वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूं, बट मामू जी बोल रहे हैं मेरे साथ चलो आप, 10 मिनट के बाद मैं भी आने वाला हूँ। सो करते हैं 10 मिनट इंतज़ार, मामू की गाड़ी में चलते हैं भाई सीधा फिर। फाइनली दोस्तों मामू जी की गाड़ी में बैठकर पहुंच गया अखनूर, और चलते हैं भाई अब क्लास में, फिर उसके बाद मिलता हूं आपसे भाई। दोस्तों क्लास होगी ख़त्म, अब चलते हैं फुहारे चौक पे, गाड़ी देखते हैं भाई कौन सी आ रही है, फिर चलते हैं भाई घर की ओर।
सो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई कि कुछ सामान लेना है घर के लिए। सो आगे वाली जो रहने वाली गाड़ी है उसमें नहीं जाना भाई, अब मैंने अब सीधा मिनी बस में जा रहा हूँ भाई, सीधा घर में उतर जाऊँगा अपने। सो लगी है मिनी बस भाई, जब टाइम के मुताबिक इसका टाइम होगा भाई निकलेंगे यहाँ से स्टॉप से। सो आप लोगों के साथ आगे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं भाई, बने रहें आपके साथ भाई। फाइनली दोस्तों 3 बजे हम सेल वाली पहुंच के चाय पीने के लिए रुके उस्ताद जी, तो संजय भाई चाय बना रहे थे सामने, सो हम भी वेट कर रहे थे कब हमारी चाय आए। 3:30 हो गए हैं, गाड़ी जाने लगी है भाई, चलते हैं हम भी जल्दी जल्दी अब। फाइनली 4:30 बजे मुझे गाड़ी ने पहुंचा दी अपनी दुकान पर, सो चलते हैं भाई दुकान पर अब। भाई मुझे मिल गया चाचा जी, अब इनके साथ चलते हैं घर, गाड़ी में बैठकर आसानी से पहुंच जाऊंगा घर भाई, तो चलते हैं भाई अब।
सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा भाई कि मैं मिनी बस से उतर कर अपनी दुकान पे चला गया था। उधर से मुझे मिल गए थे हमारे गांव के चाचा जी, जो टीचर हैं वो ड्यूटी से घर आ रहे थे, उनके साथ मैं भी घर आ गया भाई। बोलू देखो भाई, आज खुद ही मोटरसाइकिल पे बैठ गया और मोटरसाइकिल चला रहा है। क्या कर रहा है ये, हैं? क्या कर रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है? टीं टीं करूं, टीं टीं करे बोलू। तो फाइनली दोस्तों, पहुंच गया हूं मैं घर। भाई आज मैं छत पे चढ़कर ब्लॉग को एंड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं भाई, मम्मा छत पे चढ़ रही थी तो यही था भाई आज का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। इसी के साथ कहता हूं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ और अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें मेरी मम्मा की तरह भाई।